हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। मेरा एक्सरसाइज करना कंप्लीट हो चुका है और अभी मैं आई हूँ अपने और हस्बैंड जी के लिए नाश्ता लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपने बॉटल में पानी भर रही हूँ। तो टंकी का पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म रहता है ना, तो आरओ कप का भी पानी गर्म हो जाता है, तो मैं इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी बाद में मिलाऊँगी। और अभी जो है मैं दाल को सीटी लगा के छोड़ देती हूँ, तो फिर आके मैं बाद में उसका तड़का लगाती हूँ। तो मैं वही कर रही हूँ। और आज जो है नॉर्मली मैं उनके साथ कभी भी ऐसे नाश्ता नहीं करती हूँ। बहुत किस्मत की बात है कि उनके साथ नाश्ता करने को मिलता है। तो आज जो है मैंने सोचा कि चलो साथ ही में लेके चलूँगी, लेकिन उससे पहले जो है मैं अपना दाल फ्राई कर लेती हूँ। और इतनी गर्मी में मुझे एक्सरसाइज करने का 1% भी मन नहीं करता है, लेकिन बहाने बहुत सारे मिल जाते हैं किसी चीज़ को ना करने के। तो मैंने उन सारी चीज़ों को साइड में रखा है और लाइट रहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मैं आराम से कर लेती हूँ। तो आज जो है मैं एकदम नॉर्मल तड़का लगाने वाली हूँ जीरा तेल और सूखी लाल मिर्च से। कभी कभी मैं इसको फ्राई भी कर देती हूँ, लेकिन जब इसको पूरा अच्छी तरह से फ्राई करना होता है तो मैं इसको दोपहर में फ्राई करती हूँ, ताकि दोपहर में जो है अच्छा लगता है टेस्ट। और गर्मी के दिनों में हस्बैंड को दही एकदम चाहिए होती है, तो ये उनकी प्लेट है, मतलब हम दोनों लोग एक ही प्लेट में खा लेंगे आज, इसीलिए मैं इस वाले प्लेट में भी दही निकाल रही हूँ। और वो एक रोटी खाएंगे, मैं दो रोटी खाऊंगी और थोड़ी सी सब्जी ले लेती हूँ। और हमारे घर का जो आम था ना, उसको मैंने कट करके कभी आपको नहीं दिखाया। तो अभी ऐसा है ना कि आम जो है वो ख़त्म होने वाला है, ये लास्ट 4-5 आम बचा है, तो मैंने सोचा कि आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। और हमारे पेड़ के आम बहुत ही ज़्यादा मीठे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, जॉन भी खूब चाव से खाता है, लेकिन इस साल जो है वो बहुत कम आम आया था तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। बहुत क्रेविंग हो रही है मतलब ये वाले आम खाने की, बट अभी नहीं है तो क्या कर सकते हैं, तो सिर्फ मैं दो कट करूँगी। जॉन काफ़ी मूडी है, उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है, कभी उसका मूड किया तो वो खा लेगा, नहीं मूड किया तो नहीं खाएगा, तो इसीलिए मैं उसको ऐसे ही रख रही हूँ, अगर बोलेगा तो मैं काटूँगी। और अभी ऑलरेडी 10:15 हो चुके होंगे, तो चलिए मैं तुरंत नाश्ता लेके जाती हूँ। और इसी वाले कारपेट को भी छा के मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। मैं मैट नहीं बिछाती हूँ क्योंकि वो टाइल से स्लिप करता है तो मुझे प्रॉब्लम होती है। और जॉन को देखिए क्या कर रहा है, उसका न्यू कलर आया था तो उसकी आदत है, उसके ऊपर जो कवर था ना उसको वो पूरा निकाल रहा है, और जब तक सारा निकाल नहीं लेगा तब तक वो कलर करना स्टार्ट ही नहीं करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो अभी दोपहर के हो रहे हैं 12:30 और अभी मैं आई हूँ किचन में। और आज जो है मैंने येलो कलर की बिंदी लगाई है, नॉर्मली मैं मैरून या फिर रेड लगाती हूँ, लेकिन आज दिख गया सामने तो लगा लिया, वरना ऐसे मैचिंग करके अभी तो कोई भी नहीं लगाता है। तो चलिए अभी मैं चल रही हूँ चावल बनाने, और अभी ना इधर कोई आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरा आना जाना होगा क्योंकि मेरा काम है, तो ओब्वियसली काम की वजह से आना पड़ेगा। और इतनी गर्मी की वजह से ना थोड़ा थोड़ा हेडेक भी होने लग रहा है, तो शाम को स्टार्ट हुआ था बट थैंक गॉड कि वो सुबह में ठीक हो गया, वरना मुझे डर लगा रहता है कि मतलब एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से सर में दर्द हो जाए तो कुछ भी करने का मन ही नहीं करेगा। और सबके सब लोग अपने अपने रूम में हैं, बाकी ये पूरा एरिया इधर का जितना किचन साइड है, इसके बगल वाला रूम, गेस्ट रूम, ये पूरा गर्म रहता है। पहले जो है मैं इसी वाले रूम में थी, किचन के बगल वाले में, जब मैं नई नई आई थी, लेकिन ये रूम इतना हीट रहता था, इतना हीट रहता था कि बाबू जब 9 मंथ 10 मंथ का हो गया तो मुझे भागना पड़ा, क्योंकि बच्चा सर्वाइव नहीं कर पा रहा था, पूरा बिस्तर बेड हर एक चीज। तो अभी ना रूम के मतलब घर के आधे एरिए में आपको कोई नहीं मिलेगा, बस मम्मी वाले रूम में सब लोग उसी में हैं, क्योंकि वो रूम ठंडा है, एक मेरा वाला रूम ठंडा है क्योंकि उसके ऊपर बना हुआ है रूम, दोनों के ऊपर, इसीलिए वो रूम ठंडा है। तो चलिए मैं बातें करने बैठूँगी ना तो ढेर सारी बातें करने लगूँगी, तो चलिए मैं अपना काम कर लेती हूँ।
और टंकी का पानी ऐसा लग रहा है ना इसलिए उबाला गया है, मतलब इतना गर्म है, इसीलिए हम लोग ना डायरेक्ट पानी चला के ही नहाते हैं मोटर से, वो अच्छा रहता है, काफ़ी ठंडा भी रहता है, लेकिन जॉन उससे नहीं नहाता, जॉन जो है इसी वाले पानी से नहाता है, डायरेक्ट मोटर चला के नहीं नहाता है, उसको वो ज़्यादा ठंडा लगता है इसीलिए। और अभी जो है वो नहाने में एटलीस्ट आधा घंटा लगा देता है, क्योंकि उसको बहुत मज़ा आता है नहाने में, इसलिए मैं उसको ना जल्दी करके छोड़ देती हूँ पानी में, ऐसे साबुन वगैरह लगा के फिर छोड़ देती हूँ, वो अपना आराम से एक घंटा तक नहाते रहता है, एक घंटा नहीं आधा घंटा, आधे घंटे तक नहाता रहता है। और बचपन में हम लोग भी यही काम करते थे, अभी तो वो अकेला है, हम तीन भाई बहन थे तो हम लोग भी यही करते थे, तो इसीलिए ना मैं उसको ये सारा कुछ करने के लिए छोड़ देती हूँ। अभी इसकी हालत देखिए गर्मी से, चलो चलो हम पानी देते हैं आपको, चलो। उसने मुझसे बोला था कि मामा मुझे पानी दे के जाइएगा और मैं देना भूल गई थी, बहुत तेज आ रही है और मैं ट्राइपॉड भी हटा देती हूँ, इतनी तेज हवा है ना कि हवा से गिर भी जाएगा, दो तीन बार ऐसा हो चुका। चलिए मैं चलती, चल रहे चल। ओके फ्रेंड्स, तो अभी जो है बज रहे हैं रात के 11 और जॉन को खेलना था लूडो छक्का, तो अभी जो है हम लोग लेके बैठे हैं लूडो छक्का, मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये देखिए। हाँ गड्डी, और जॉन का जो है मैंने बाल मतलब पूरा ही क्लीन करवा दिया है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है ना इसीलिए। नहीं बेटा, और जॉन का आया है 6 और ये जो है हमेशा मुझसे जीत जाता है, इसी के समझ में नहीं आ रहा है ना क्या बोल रहे हो आप, जिमी जूबिया। तो चलो हेलो गाइस, मेरा नाम है, आज की वीडियो में काफी सारी का चिंगम पे चला इसी बोल नहीं चल रही थी, आज की वीडियो में काफी तेज चलने वाली चिंगम से चलने वाली कार लेके आओ। तो अभी चलिए हम लोग गेम को कंटिन्यू करते हैं, और अभी जो है इस समर वेकेशन में यही है, बहुत लेट नाइट तक मतलब जगना खेलना यही सब कुछ है, और फ़ोन से थोड़ा सा दूरी रखना है बच्चों को, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत करनी ही पड़ेगी। तो चलिए अभी हम लोग खेलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी बज रहे हैं रात के 11 और जॉन ने जो है वो मेरी वो वाली नाइटी पे पानी गिरा दिया, तो मुझे जो है वो अपनी नाइटी चेंज करनी पड़ी, और अभी जो है मैं आई हूँ उसके लिए दूध लेने के लिए, तो सोचा कि इस वीडियो का एंड कर देती हूँ। और अभी जो है वो देख रहा है टीवी, तो मैं उसको दूध पिला के अभी तुरंत सुलाने वाली हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 11 बज चुके हैं, 11:15 होने वाला होगा, और सोते सोते आजकल वो 12 बजा देता है, तो मुझे सोने में और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, और अभी किचन में हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।